हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हो लोग। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग बनाने वाले हैं ओरियो चॉकलेट केक। और फ्रेंड्स, आज जो केक है वो पूरी बनाएंगी। अगर मैं बना दूंगा तो फिर वो ज्यादा ही टेस्टी बन जाएगा, फिर मेरे को लोग बोलेंगे वापस से बनाओ, तो इतना टाइम कौन करेगा वापस बनाने में। इसलिए मैं बनाता नहीं हूँ, पूरी को बनाने देता हूँ। चल झूठा। तो आज की जो हमारी शेफ है वो है हमारी पूर्वी जी। अब पूर्वी जी बताइए, सबसे पहले व्यूअर्स को क्या करना चाहिए अगर वो बनाना चाहते हैं तो? पहले सबको एक जगह सारी जो भी सामग्री वगैरह होती है उन्हें एक जगह रखनी चाहिए ताकि एंड में वो कुछ भूल ना जाए। अच्छा, तो क्या क्या सामग्री है बताइए एक एक करके। पहले हम ओरियो ले लेंगे। हाँ, उनको पहले को पीसना है अच्छे से। और अगर आप एक पार्ले जी डालना चाहो तो पार्ले जी डाल सकते हो। तो हमने पहले ओरियो ले लिए, ओरियो और हमने बेकिंग पाउडर ले लिया है। हाँ, और हमने बटर ले लिया है। और जिसमें हमें उसका बैटर बनाना है वो ले लिया। और एक मिक्सी चाहिए, मिक्सी के अंदर डालने वाला जार चाहिए, और एक कप भी चाहिए। अभी पूर्वी ने ये खोल दिया है, ये देखो क्या पूरा हलवा बना दिया। ओरियो का हलवा थोड़ी ना बना रहे हैं इस वीडियो में। ब्रश करके डालना पड़ेगा जल्दी, वो फिर पाउडर बनेगा। हाँ। इसमें आप चीनी डाल सकते हैं, हम नहीं डाल सकते क्योंकि ऐसे ही मीठा हो जाता है बहुत ज्यादा। पूर्वी ने पूरा अच्छे से एकदम डाल दिए हैं बिस्किट इसके अंदर। आप चाहो तो थोड़ा बहुत तोड़ मोड़ के भी डाल सकते हो। अभी पूर्वी ने थोड़ी सी टाइम के लिए, एक मिनट के लिए किया था, तो अभी इतना तो हो गया है। अभी इसको और करना पड़ेगा क्रश। कितने मिनट कर लिए पूरी अपन ने इसको क्रश? दो चार मिनट नहीं, मतलब आप 2 मिनट कर लेना, 2 मिनट सही रहेगा। हाँ। हाँ। और वो भी एकदम मतलब मीडियम पे करना, जैसे कि है इससे। बढ़िया लग रहा है यार। तो इसमें अगर आपका बच जाता है इसमें से भी आप निकाल सकते हैं। अरे वाह यार, इतनी काम की बात बता रहे हैं आप तो। नहीं तो मैं बताऊं क्या करता था पहले, कुछ भी बनाता था ना, इसके ऊपर जो भी लग जाता था मैं तो चाट देता था, ढक्कन के साथ ही फेंक देता था, ढक्कन भी साथ में चला जाता था उसके। ये आपने सही बात बताई कि इसके अंदर से भी निकाल के अपन इसके अंदर डाल सकते हैं। वेरी गुड पूर्वी, आपको इसके लिए पद्मश्री मिलेगा अभी 2 मिनट में। तो आप इसमें ना थोड़ा सा बेकिंग पाउडर डाल सकते हैं। तो छोटी ये होंगी स्पून, तो आप इसमें हाफ भर सकते हैं डालना है। हाँ, लगभग आपको 1 टेबल स्पून डाल देनी है। हाँ, अच्छे से एकदम मिक्स कर देना है। दूध को थोड़े से को उबाल लेना है, थोड़ा सा मतलब मीडियम पे। हाँ, नहीं थोड़ा सा गर्म होना चाहिए। हाँ बिल्कुल मीडियम आंच पे, मतलब एकदम गुनगुना टाइप। हाँ, गुनगुना होना चाहिए दूध। हाँ, अभी गर्म हो चुका है तो हम इसको निकाल लेंगे। अभी आप हाफ कप भी ले लेना, फिर बाद में भी अगर अपन को और चाहिए तो ले लेंगे। तो अभी आप इसमें थोड़ा डालेंगे, अभी फिर इसको मिक्स करेंगे, थोड़ा ही डालना है। हाँ, अभी थोड़ा थोड़ा करके मिक्स करते रहना है। थोड़ा सा डाल दिया, अभी मिक्स कर देना है। इसी में ही हो जाएगी। हाँ, जैसे जैसे ये पूरा अंदर ऐसे एब्जॉर्ब करते रहे ना, सारा दूध जैसे एब्जॉर्ब करता रहे, तो आपको और डालते जाना है। तो फिर आप बाद में ऐसे करके देख लेना कि ऐसे हो रहा है ना, मतलब ज्यादा लिक्विड नहीं होना चाहिए। हाँ, मतलब इतना इतना ही थिकनेस होना चाहिए। तो अभी हमारा बैटर रेडी हो चुका है, तो अब हम अपने कंटेनर में बटर लगाएंगे। तो अभी हम बटर लगाया जा रहा है इस पे। अभी पूर्वी से बटर वो मेल्ट नहीं हुआ, तो अभी इसमें ओवर में ही कर रही है वो। बारिश आ रही है क्या? अरे बाहर का मौसम तो पता नहीं आज कैसा हो रहा है।
हाँ अभी अच्छे से बटर मेल्ट हो गए, ऐसा ही होना चाहिए। आप जो भी कंटेनर में लो ना, ये बटर इसलिए लगाते हैं क्योंकि एंड में जब आप केक वगैरह उसके अंदर मतलब पूरा एकदम अपना बैटर पूरा डाल दो ना, तो वो आसानी से निकल जाए, बस इसलिए बटर का इस्तेमाल होता है। वाह यार बढ़िया डिजाइन बना दी है, ऐसा लग रहा है जैसे जलेबियां चल रही हो। तो अभी ये बिल्कुल एकदम अच्छे से पूर्वी ने इसके अंदर डाल दिया है पूरा बैटर। अब ये इसको डालेंगे ओवन में, डाल दे पूरी ओवन में। कितने मिनट के लिए डालना है पूर्वी इसको? अभी ये यहाँ पे 5 लिखा हुआ था केक के लिए, मतलब यहाँ पे 21 का है इंस्टा कुक 5, तो 5 हमने डाल दिया था तो ये आ गया है। अभी ऑन कर देते हैं, तो ये 50 मिनट्स का है टोटल। अभी हम मिलते हैं आपसे 50 मिनट्स के बाद। 50 मिनट्स हो गए हैं, अब इसको निकालते हैं। यार मस्त बना है यार। अब इसे चेक करते हैं कि हुआ नहीं, आप इसे चेक कर सकते हैं इसमें टूथपिक डाल के या फिर चाकू वगैरह डाल के। अच्छा है ना, सही है। अगर अब इसमें से कुछ नहीं निकल रहा ना, मतलब अच्छे से हो गया है। और देखो बटर की वजह से चिपका भी नहीं है। अभी हम इसे थोड़ी देर ठंडा होने देंगे। तो फ्रेंड्स अभी हमने केक को 10-15 मिनट रखा था, तो अभी ये ठंडा हो चुका है, अब हम इसे निकालेंगे। आप पहले इसको चाकू से ऐसे कर लिया करें। हैप्पी बर्थडे फॉर मी, हैप्पी बर्थडे। खा करके देखते हैं कैसा है। हाँ अच्छा है यार, इसके ऊपर का थोड़ा सा वो है टाइट हो गया है। हाँ टाइट है, बाकी नीचे से तो एकदम फ्लफी है। हमने आपको केक बनाना सिखाई दिया है, अब आप अपने घर में चाहे रोज बनाइए चाहे कभी भी बनाइए। अगर आप ये केक अपने घर पे ट्राई करें और अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज कमेंट में हमें बता भी देना ताकि हम भी जान पाए। और फ्रेंड्स अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे और केक भी अच्छा लगे तो प्लीज लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना चैनल को। और फ्रेंड्स आपसे मिलते रहेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।